हेलो दोस्तों, ये है मनाली ट्रिप की नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम जा रहे हैं अटल टनल से शिशु विलेज की तरफ जो कि यहाँ से है 6 किलोमीटर की दूरी पे। और आपको बता दें कि अटल टनल से जो है दो रास्ते निकलते हैं, एक जाता है शिशु विलेज की तरफ और दूसरा जाता है काजा की तरफ। तो हम जा रहे हैं शिशु विलेज। जैसे ही थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे एक चेक पॉइंट बना हुआ है जो कि एक तरह का टोल प्लाजा है। कार के लिए जो फी है वो 200 रुपये है और बाइक के लिए 50 रुपये। तो यहाँ पे पेमेंट करने के बाद अब हम चल पड़े आगे के लिए और नज़ारा देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं शिशु विलेज की तरफ और वहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे शिशु लेक, शिशु वाटरफॉल और शिशु विलेज। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। तो अभी चलते हैं आगे और दिखाते हैं कुछ आगे के नज़ारे। तो यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो 50 की है, तो स्पीड लिमिट का जो है ध्यान रखें। और नज़ारा काफ़ी अच्छा है, रोड भी काफ़ी साफ़ सुथरे हैं। और यहाँ से शिशु विलेज जो है वो 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अभी चलते हैं आगे और दिखाते हैं और आगे के नज़ारे। तो भाई हम पहुंच चुके हैं शिशु विलेज और कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे। ये जो रोड है सीधा आगे केलोंग की तरफ जाता है और उससे आगे जो है ये लद्दाख तक जाता है। तो और आगे चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ के कुछ नज़ारे। काफ़ी सारे यहाँ पे जो हैं कैफ़े और होम स्टे बने हुए हैं। तो सामने चल रहे हैं हमारे कुछ साथी जो कि यहाँ पे हमसे पहले आ चुके थे। तो जैसे ही थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पे है एक गवर्नमेंट स्कूल और घर की छतों के कुछ ऐसे डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो नज़ारा देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छा है। दोनों तरफ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं। और ये हम आ गए हैं बैक साइड में। तो ये वाली जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसमें हम रुकने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर एक बार मैं पीछे का जो है नज़ारा दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ घर की बैक साइड में ही आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इनके खेत हैं जो कि सीडनुमा खेती होती है उसी टाइप से हैं। तो नीचे भी देख सकते हैं और इधर सामने ऊपर में भी खेत हैं। और यहाँ पे फसल जो है वो फूल गोभी की उगाई हुई थी जो कि अभी कट चुकी है। और सामने देख सकते हैं आप बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और बीच में है चेनाब रिवर। शिशु लेक भी यहीं पे है जो कि थोड़ा सा आगे चल के अभी मैं दिखा देता हूं। और सामने वो दिखाई दे रहा है वो है शिशु वाटरफॉल
जो स्नोफॉल होने की वजह से बंद हो चुका है या जम चुका है एक तरह से। तो ये है शिशु लेक और सामने वहाँ पे बना हुआ है रोड नीचे आने के लिए, और यहीं पे दो हेलीपैड भी बने हुए हैं। तो मैं खड़ा हूँ पीछे की साइड और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा जो है दिखाई देता है, तो एक बार आसपास का पूरा नज़ारा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता जो है नीचे वाले खेत में जाने के लिए दिखाई दे रहा है, तो मैं थोड़ा नीचे जाके एक बार दिखा देता हूँ। ये कुछ घर जो सामने दिखाई दे रहे हैं ये भी शिशु विलेज का ही पार्ट है, और ये एक नदी जो है उस साइड से आ रही है और आके जो है चिनाब रिवर में यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है, तो ये भी नज़ारा काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो अभी मैंने दिखाए कुछ बैक साइड के नज़ारे, तो जिनको एक्सप्लोर करने के बाद अब थोड़ा चलते हैं आगे, और जैसे ही थोड़ा सा और आगे आओगे तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे होम स्टे जो हैं बने हुए हैं, और ये रोड जो है आगे जाता है केलोंग की तरफ। अभी हमारा आगे तक जाने का कोई प्लान नहीं है, यहीं पर थोड़ा सा आगे और दिखा देता हूँ आपको कुछ नज़ारे। तो थोड़ा सा और आगे आने के बाद भी हमें यहाँ पे कुछ खेत दिखाई दिए, और यहाँ पे भी जो फसल है कट चुकी है। अभी यहाँ पे एक हफ्ते बाद काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्नोफॉल होने वाला है, और ये है कुछ यहाँ का नज़ारा जो कि काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं उधर दिखाई दे रहे हैं बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, और बीच में बने हुए हैं घर, और इधर हैं खेत। शाम के 5 बज चुके हैं और ठंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, अभी से ही माइनस में टेम्परेचर जो है पहुँच चुका है, तो रात में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना कम होने वाला है। और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा आगे, एक चाय की दुकान है, तो चाय पी के और फिर आते हैं अपने रूम में।
तो भाई सुबह हो चुकी है और पानी ऐसे रात में जो है जम जाता है यहाँ पे। तो हम रुके थे यहाँ पे, तासी होम स्टे है, तो प्राइस काफ़ी ठीक है यहाँ पे और खाना भी काफ़ी अच्छा बनाया था। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और रुक सकते हैं, सामने खड़ी है हमारी गाड़ियाँ, तो काफ़ी जगह है यहाँ पे, आप आराम से अपनी गाड़ी जो है यहाँ खड़ी कर सकते हैं। ये हमारे कुछ साथी जो धूप में बैठे हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, सामने जो है होम स्टे जिसमें हम रुके हुए हैं, तो आप यहाँ पे आएं और रुक सकते हैं। तो सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देता है और अभी थोड़ा सा और आगे जाके एक बार दिखा देता हूँ आपको आसपास का पूरा नज़ारा। इस वीडियो में इतना ही, अब हम जाएंगे वापस मनाली और वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे हिडिंबा देवी टेम्पल और जोगनी फॉल। तो आगे की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।